और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको जरा बारीक चीजें समझने की कोशिश करें, विराट और हमारा संबंध। विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांसपेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है उसका जो अग्रभाग होता है उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता, उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती, थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। ज़रा ठहर जाइए आप, अब मन ये देते हैं सबका ध्यान वहाँ जाएगा, क्योंकि चित्ता भी लोगों का स्थिर नहीं है। आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते हैं। ज़रा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात, चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है इस मॉडर्न जमाने में, बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है तब कहीं जा करके ये चीज़ बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते, तो आप ज़रा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुट सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर खत्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं, और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पर चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम चाहे उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड। विचारों पर हम कूदते रहते हैं, एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है, इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं। कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह है उसे हम नहीं पकड़ पाते। ये दोनों ही चीज विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती है, ये विशुद्धि चक्र से ही होता है। उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है, लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया कि ऐसे हाथ रखना चाहिए, सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में पांच चक्र हैं। आप किताब ले लें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूं। इस चक्र में स्वाधिष्ठान चक्र है, जो कि आपको दिखाएंगे यहाँ, ये स्वाधिष्ठान चक्र, पहले मूलाधार से शुरू करें, ये मूलाधार चक्र है, ये स्वाधिष्ठान, ये नाभि, ये हृदय और ये विशुद्धि। कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता, ये विशुद्धि चक्र है, और ये आज्ञा और ये सहस्त्रार है, और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहां पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है, पैर के बारे में बाद में बताऊंगा। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपथेटिक जो चक्र है, जो लेफ्ट और राइट सिंपथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो है सिंपथेटिक, ये लेफ्ट है राइट है,
ये जब घूमते हैं इस तरह से और जब बहुत ज़्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज़्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज़्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज़्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से, कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूं। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं पागलपन होता है, ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके एक दो बताएं चुटकुले कैसा होता है। कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटी का सालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे, तो उनका कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा भाई ये कौन है पहचाना तुम, कहले कौन, कहले जवाहरलाल जी हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, तो कहले ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था। दूसरे मैंने आपको पीए साहब की बात बताई थी कि कोई साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, वहाँ एक पीए साहब बहुत कूद रहे थे, वो किसी से ठीक मुंह बात ही ना करें, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों कूद रहे हैं, क्या बात है, आप इतने नाराज़ क्यों होते हैं। देखिए चित्त को जल्दी जल्दी ना हटाएं, हम बात कर रहे हैं ना इधर ही रखें, कोई इधर बात कर दे उधर बात कर, चित्त को हटाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुंडलिनी को मैं चला रही हूँ, बात कर रही हूँ लेकिन कुंडलिनी हटा रही हूँ आपकी, विशुद्धि साफ कर रही हूँ। हाँ तो कह लगे कि आप उछल कूद क्यों कर रहे हैं, कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ, कहले हमको क्या पता था आप पिए हुए हैं, हम नहीं आते थे, आप माफ़ कर दीजिए जा रहे अपने घर। तो ये बिल्कुल बंदर की आदत है, बिल्कुल बंदर हो जाते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा रामचरितमानस में भी रामायण में भी वर्णन है कि नारद मुनि को एक दिन ईगो हो गया तो कैसे बंदर हो गए थे, अंत में उनका ईगो कैसा उतारा गया। तो ईगो ओरिएंटेड जब आदमी होता है तो भगवान बचाए रखे उसे, आपको अगर इस रास्ते से आता हो तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, क्योंकि वो तो घोड़े पर सवार होते, उनको तो होश नहीं रहता, वो सोचते कि हमसे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में। तो इस चीज़ की वजह से आदमी जो होता है आर्बिट्ररी हो जाता है, माने उसके देवता टूट गए, वो अकेला ही अपना दौड़ता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। हिटलर इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, और बड़ा वो उसको लगता है कि मुझसे बढ़ के अच्छाई कोई कर ही नहीं सकता, सब अच्छाई मैं ही करता, अगर मैंने जूस को ख़त्म कर दिया तो बड़ा भारी धर्म कार्य कर दिया, अगर मैंने सबको गैस चैम्बर में मार डाला तो इससे भी बड़ा मैंने धर्म कार्य, अगर मैंने जर्मन रेस को उठाना चाहे तो बड़ा ही धर्म कार्य। उसके समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाता है, माने वो कैंसर का एक सेल हो जाता है। कैंसर भी इसी तरह से हमारे अंदर बनता है, कैंसर हर समय हमारे अंदर बनता है और टूटता है। जैसे कि ये मैंने आपसे दिखाया ना, अब कोई से भी आपकी गति ज़्यादा हो जाए सिंपैथेटिक की लेफ्ट या राइट, कोई सी भी ज़्यादा गति हो जाए तो उस गति के चलन वलन से देवता सो जाते हैं, उसके बाद आप अलग हो गए चाहे जो करिए, अब वो सेल्स मैलिग्नेंट हो गए। अगर अतिकर्मी आदमी होएगा तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्य में लगा हुआ है और कार्य करते वक्त में उसने देवता से संबंध नहीं रखा, छूट गया, जैसे छूट जाएगा उसमें कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो मैलिग्नेंट हो गए ऑन देयर ओन। इंग्लैंड में तो हर एक आदमी और पाश्चिमात्य देश हर एक आदमी ऑन देयर ओन है, 11 साल का बच्चा हो गया ऑन देयर ओन, बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरे कमरे में माँ बाप पहले ही छोड़ देते, कमरे में कुत्ते बिल्ली सुलाते हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं, कुत्ते बिल्लियों को ज़्यादा प्यार करेंगे बच्चों को कमती करते, अजीब तरह की हालत है वहाँ सब लोग ऑन देयर ओन। हम लोग भी सोचते हैं कि ऑन अवर ओन होना चाहिए, ये बहुत गलत कल्पना है बच्चों के मामले में, लोग सोचते हैं बच्चों खराब कर रहे हो क्या इतना उनका दुलार, बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहिए। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।